हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मनसुख मर्डर केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एटीएस चीफ महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर पहुंचे हैं। एटीएस चीफ अब तक की हुई जांच की रिपोर्ट देशमुख को सौंपेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे मुंबई से, संवाददाता राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, बड़ी विडंबना इस बात में यही है कि पूरे मामले में जिसका नाम सामने आया, खुद गृह मंत्री को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, एटीएस चीफ वहां पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए बेहद चौंकाने वाली बात है कि जिस गृह मंत्री की जांच की बात पूरी सरकार कर रही है, उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, शरद पवार कर रहे हैं, वही गृह मंत्री अभी जो मनसुख मर्डर केस है उस पूरे मामले की डिटेल्स लेंगे और ये जानेंगे कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह से हुआ, जांच कैसे हुई, आरोपी कैसे पकड़े गए, उनका क्या कनेक्शन है। वह एक बात इसके अलावा और सामने आ रही है कि खुद गृह मंत्रालय यानी कि अनिल देशमुख चाहते हैं कि महाराष्ट्र एटीएस इस पूरे मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए समय भी गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया, होम मिनिस्ट्री की तरफ से, कि लगभग 4 से 4:30 बजे का समय होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंच सके और इसकी पूरी डिटेल साझा की जाए। लेकिन महाराष्ट्र एटीएस चीफ ने इंडिया टीवी को इस बात की पुष्टि की है कि फिलहाल एटीएस की तरफ से ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें मनसुख मर्डर केस को लेकर जो संबंधित जानकारियां हैं वो साझा की जाएगी। दरअसल कल ही हमने अपने दर्शकों को बताया था कि इंडिया टीवी को एनआईए ने इस बात की पुष्टि की है कि एपीआई सचिन वजे ने इस बात की लीड दी थी कि विनायक शिंदे जो सस्पेंडेड पुलिस कांस्टेबल है वो इस पूरी हत्याकांड में शामिल है, उनके साथ जो कॉन्फ्रेंसी रची गई थी और उसके बाद में एटीएस ने अरेस्ट किया था। कार्रवाई की जा रही है काफी जोर शोर से और गृह मंत्री का चूंकि एक बार नाम इसमें उछला और ऐसे में एटीएस को, एटीएस चीफ का उन्हीं के घर जाना, उन्हीं को रिपोर्ट सौंपना, ये और सवाल खड़े करता है। बहरहाल अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया अब तक की जानकारी के। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।